हेलो फ्रेंड्स, माईसेल्फ अंकिता डिम्मल फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय किला पाली, स्टैंडर्ड 5, लास्ट टॉपिक प्रैक्टिस टाइम। हमने अगले वीडियो में ए पार्ट ए और पार्ट बी किया था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? पार्ट सी। 450/7 कैसे करना है? हमें 450/7 करना है। ओके, कैसे करें? तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 7 का टेबल लिखना है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 14। तो यहाँ पे हम दो नंबर ले सकते हैं, 45 से स्मॉल नंबर यानी 42 होगा, यानी 7 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन 42 होगा ना। 7 6 42, 7 6 42। अब यहाँ पे है ना 0 अगर लिखना है और 7 ऊपर की साइड माइनस करना है। 0 5 2 3 4 4 0। अब क्या करना है, 7 के टेबल में 30 होता है या हमें 30 से स्मॉलर नंबर लिखना है। 7 4 28 होगा ना 30 से स्मॉल नंबर, ये 35 बिगर नंबर है ना, यानी 7 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन ऐड करना है। 7 4 28 माइनस करना है 10 2 10 - 8 2 0। ओके, अब क्वेश्चन क्या है उसमें, क्वेश्चन 60+4, क्वेश्चन 64 है। रिमाइंडर क्या है, 2 है, रिमाइंडर 2 है। और हम ये आंसर कैसे चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करना है ना, ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, कैसे करें? तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 7 का 64 डिवाइजर का क्वेश्चन के साथ, 64 का 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है प्लस रिमाइंडर। ओके, यानी 64, 7 क्या है डिवाइजर, क्वेश्चन 64 प्लस रिमाइंडर 2 है। 64 × 7 + 2 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 64 × 7 करें, 64 7 7 4 28, 2 carry 7 6 42, +2 3 4 44, 40 यानी 448 प्लस 2 क्या होगा, 8 + 2 10 1 4 + 1 5 4, आंसर इज राइट। ओके, तो ऐसे हमें क्रॉस चेक करना है। नेक्स्ट पार्ट डी, 900/10, 900 का 10 के साथ डिवाइड करना है। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, एंड 10 9 90। तो यहाँ पे 10 के टेबल में 9 0 90 होता है ना, 10 का 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो और 0 एज इट इज सेम वे माइनस करना है। 0 0 0, आंसर इज 90, क्वेश्चन इज 90। ओके, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट ई। ओके, ये और ये आपको करना है। ओके, मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। पार्ट ई, 6 1 6, फर्स्ट वैल्यू लेंगे हम 6 1 6, सेम वे 0 0 यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर की साइड भी सेम वे, माइनस करना है 8 7, और नेक्स्ट 6 1 6, 0 यहाँ पे भी 0, 8 7 - 6 1 6 3 18, क्वेश्चन इज 110। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, इसी तरह ये पार्ट में भी 11 2 22, 0 0 यहाँ पे इट इज, ऊपर की साइड भी माइनस करना है, 11 2 20, 0 0, 11 5 55। ओके, तो आपको ये होमवर्क
किया था ना आपको, आपको जो भी डाउट हो तो आप देख सकते हो ओके। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या है, सॉल्व द गिवन सम एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड गिवन बिलो सी व्हाट यू फाइंड। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइजन है, ये आपको सम करना है और जो भी आंसर होगा वो इसमें होगा और उसको आप कलर कर सकते हो ओके। सपोज फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए लिए, पार्ट ए क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल 21 का 16 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करें आपको पता है, 16 को तोड़ना है यानी 10 प्लस 6 करें। तो फर्स्ट 21 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट 21 का 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन। 21 इंटू 6 क्या होगा, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12 यानी 6 टू एन 1 होगा। नेक्स्ट 21 का 10 के साथ जो लास्ट में जीरो लिखेंगे, 21 इंटू 1, 21 से 21 ऐड करना है 6, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 336। नेक्स्ट एग्जांपल 15 इंटू 7, 7 फाइव 35, 3 कैरी, 7 वन सा 7, 7 प्लस 3 8, 9 एंड 10 105। ये आंसर है तो यहाँ पे इस बॉक्स में होगा 108, आपको ये कलर करना है ओके। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।